तो दोस्तों आज सभी को मैं कराऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि हमने जो भी अब तक किया है वो तो हमने अच्छे से कर लिया है। लेकिन बच्चों, आपने कल वाला लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा। उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे, फॉर्मूले भी बेस पे क्वेश्चन करवाए थे बच्चों, कि एक पद्धति को दूसरी पद्धति में चेंज करना, ये पढ़ा था बच्चों कल मैंने आपको। ठीक है बच्चों? ठीक है भाई, छोटी होगा तुम्हारा। चलो फिर आगे ध्यान दो। इसमें दो चार और क्वेश्चन करा देता हूँ बच्चों, फिर हमारा ये यहाँ का यहाँ तक टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आओ, लिखो बच्चों, क्वेश्चन लिखो आप। चलो बच्चों, अब ध्यान दो तुम। देखो इसमें क्वेश्चन है बच्चों, आपके पास फर्स्ट 1 मीटर में, लिख छोटी, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? क्वेश्चन है बच्चों, आपके पास 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? किसमें कहा बच्चों उसने? 1 मीटर में। बाबू तुम भी पढ़ लो, याद कर लो। तो बच्चों उसने कहा कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक माइक्रोमीटर को हटाने के लिए कितना आता है बच्चों? 10 की पावर माइनस के 6 मीटर आता है। कितना आता है बच्चों? 10 की पावर माइनस के 6। कितना आएगा छोटी? 10 की पावर माइनस के 6। लेकिन बच्चों उसने बोला है 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। क्या बोला है? 1 मीटर में कितने माइक्रोन होंगे? तो हमें 1 मीटर में चाहिए। तो बच्चों कितना है? 10 की पावर 6 मीटर है, तो मुझे चाहिए 1 मीटर। जब मुझे 1 मीटर चाहिए तो 10 की पावर 6 के बटे में पूछा दू बच्चों, पूछा दू या नहीं पूछा दू? तो 10 की पावर माइनस के 6, यहाँ प्लस ना कर देना, ये ऊपर नहीं जानी, बस इसके बटे में पूछा रहे, जो ये संख्या है इसके बटे में पूछा रहे बच्चों। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1/10 की पावर माइनस के 6 माइक्रो हो जाएगा? नहीं हो जाएगा भाई? भाई माइक्रो ही तो है। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। तो इसे ऊपर ले जाऊं बच्चों में, तो 1 मीटर बराबर कितना आ जाएगा? 10 की पावर माइनस के ऊपर जाए कहीं का हो जाएगा बच्चों, ये प्लस का हो जाएगा। वेरी गुड, तो प्लस के 6 माइक्रो। तो हमेशा याद रखना, 1 मीटर में कितने माइक्रो होंगे बच्चों? कितने माइक्रोमीटर होंगे? 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर होंगे। कितने होंगे बच्चों? 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर या 10 की पावर 6 माइक्रोन होंगे। स्वयं आए आपके सभी के। तो 1 मीटर में आपको लिखना है 10 की पावर 6 माइक्रोन। क्लियर हुआ है क्वेश्चन आपका? कोई डाउट तो नहीं आपको? अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। प्रकाश वर्ष, क्वेश्चन देखो बच्चों अगला। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? मीटर होते हैं बच्चे? क्वेश्चन लिखो, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? क्वेश्चन लिखो बच्चों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? चलो देखो बच्चों, देखो बच्चों, प्रकाश वर्ष, जो प्रकाश वर्ष होता है बच्चों, सूर्य से या निर्वात में 1 साल में चली गई प्रकाश की दूरी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। मतलब सूर्य से जो प्रकाश किरण आ रही वे 1 साल में कितनी दूरियां चल चुकी, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। तो हमेशा याद रखना, प्रकाश वर्ष दूरी तो एक प्रकार की, भाई सूर्य से किरण की दूरी मापने की वह परिक्रिया है, बस ये दूरी तो माप रही हो। तो किसका मात्रक है बच्चे?
दूरी का मात्रक है, प्रकाश किसका मात्रक है, दूरी का। भाई मात्रक किसका है, दूरी का मात्रक कौन है बच्चों, प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब उसने बोला एक वर्ष में, एक वर्ष में कितने मीटर होते हैं, एक वर्ष में बच्चों उसने पूछा कितने मीटर होते हैं। तो बस तुम्हें इस क्वेश्चन को याद रखना, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष बराबर होता है 10^16 मीटर। कितना होता है बच्चों, 10^16 मीटर, इसे याद रख लेना। ठीक है, उतारो इसे। ये कैसे हुआ ये बताऊंगा बच्चों आपको, भाई ये कैसे हुआ ये बताना है आपको, ये कैसे हुआ ये बताना है आपको। चलो देख लो इसे, देखो 10^16 है बच्चों, 6 × 10^16 मीटर। देखो बच्चों अब इस पर ध्यान दो, ये कैसे आ, एक वर्ष बराबर 10^16 मीटर। अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों, आपको चाल बराबर पता क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। हमें क्या निकालना बच्चों, देखो तुम्हें पता प्रकाश की चाल पता होता है आपको, क्या होता है चाल होती है प्रकाश की, प्रकाश की चाल लिख लेना इसे, ओए याद कर ले छोटू, क्या होगा सो जा खाट पे अंदर जाग, सो जा थोड़ी देर। प्रकाश की चाल होती है बच्चों याद रख लेना, निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 × 10^8 मीटर/सेकंड। कितना होता है बच्चों, मीटर पर सेकंड। ये बताओ ये तुम्हारे समय में आ गया नहीं आया, तो इतना होता है बच्चों कि 3 × 10^8 मीटर/सेकंड किसकी चाल होती है बच्चे, प्रकाश की चाल। हमें कितने समय में निकालनी बच्चों, एक साल में निकालनी, तो समय तो दे रखा बच्चों उसने, हमें दूरी निकालनी, दूरी तो दूरी बराबर क्या हो जाए बच्चों। देखो ये बताओ तुम्हारी यहां तक समय में आया नहीं आ, नहीं आ तो दोबारा समझाऊंगा भाई, क्योंकि जो ठीक ठाक क्वेश्चन है बच्चों उस पर टाइम दे देना चाहिए हमें। देखो अब ध्यान दो, सबसे पहले एक प्रकाश वर्ष क्या होगा, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष बराबर होता है 10^16 मीटर। अब हमें बच्चों देखो 10^16 मीटर कैसे आए, इसे मैं आपको प्रूफ करवा रहा हूं। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए चाल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला दूरी बटे समय होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या, दूरी का ही तो मात्रक है, तो हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, दूरी। तो दूरी बराबर दूरी कब आएगी, किसकी दूरी चाहिए, प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश की दूरी। तो दूरी कब आएगी, जब समय गुना कर दूंगा चाल गुना समय। बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको, चाल गुना समय। ठीक है भाई, अब बच्चों तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल और वो भी निर्वात में कितनी होती है बच्चों, 3 × 10^8 मीटर/सेकंड। कितनी होती है बच्चों, 3 × 10^8 मीटर/सेकंड कितनी होती है बेटा, 3 × 10^8 मीटर/सेकंड। इसे याद रख लेना, किसमें और वो भी मीटर में, स्वयं आ गया ये। और बच्चों आपको समय, समय कितना दिया उसने, एक वर्ष बोल तो दिया बच्चों, एक वर्ष में भाई एक साल समय ही तो होगा, एक साल एक वर्ष, और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, 365 दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो 24 से मल्टीप्लाई करो, समय में आ रहा है भाई। और 24 घंटे है, और एक घंटे में कितने मिनट होती है, 60 मिनट, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, ये आ गया। तो ये आ जाएगा एक वर्ष, मतलब समय निकल कर आ जाएगा समय, क्योंकि भाई यहाँ सेकंड में बात हो रही है, तो हमें समय को सेकंड में चेंज करना। ये बताओ ये समय मां तुम्हारे या नहीं, या नहीं आ तो दोबारा समझो यार। भाई उसने कहा एक वर्ष, वर्ष का मतलब समय ही तो भाई, भाई एक साल लग गया, दो घंटे लग गए, तो समय तो एक प्रकार का समय तो है वो। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, 365 दिन, और एक दिन में कितने होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमें सेकंड में निकालना 24 घंटे, और एक घंटे में कितने मिनट होती है, 60 मिनट, और एक मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। चलो हो गया, सही में आ गया नहीं आया, तो
तो इस प्रकार बच्चे क्या में चेंज हो जाएगा, सेकंड में, क्योंकि जो चाल दे रखी वो सेकंड में दे रखी। जब तुम इसकी मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कितना आ जाएगा ये, 6×36 इसे सोल्व करके बच्चों आ रहा है ये। चलो इसे लिख लो बस, अब जा इसे जो समय को यहां पर लिख लो, क्योंकि हमें दूरी चाहिए। तो दूरी बराबर समय की चाल कितनी आएगी बच्चों, 3×10^8 मीटर पर सेकंड, और समय ये आ गया 365×24×60×60 सेकंड। सेकंड से सेकंड का कैंसिल तो मीटर ही तो आया। अब मल्टीप्लाई करो बच्चों, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो 24 में, 3 की मल्टीप्लाई 24 में कर कितना आ जाएगा बेटा भाई, 24 × 48 24 × 72 कितना आ जाएगा 72 × 365 × 6×6 में करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 36, 2×0 = 2×0 = 3600 हो जाएगा। और ये कितना बच रहा बच्चों, 10^8 मीटर, क्योंकि मीटर भी तो बच रहा बच्चे, समझ में आया नहीं यार। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो और फिर इसकी इसमें करो। तो सबसे पहले बच्चों इसकी इसमें करो, 72 की मल्टीप्लाई करो, 2×5 = 10 हासिल लग गए, देख 2×6 = 12 और 1×13 हासिल लगे, 2×3 = 6 और 1×7 7×5 = 35 हासिल लग गए, 3×7 = 42 और 3×45 हासिल लग गए, 4×7 = 21 और 4 होते हैं बच्चों 25, इन्हें ऐड कर दो, 0×0 5 और 3 = 8 7 और 5 = 12 का 2 का हासिल लगे 6×2 ये आ गया बच्चों कितना आ गया ये 26228 इतना गुना 3600 3 0 बच्चों, तो 0 इसमें बढ़ा दूंगा 10^8 में, तो कितना आ जाएगा 26×28×36 3 0 तो 10^8 कितना आ जाएगा बच्चों 11 मीटर, समझ में आ रहा है ये। अब बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 36 की मल्टीप्लाई करो आप, हटा दूं 2×6 = 2×8 की मल्टीप्लाई करो किसमें बेटा 36 में, 6×48 हासिल लग गए 4×6 = 12 और 4 = 16 हासिल लग गया 1 6×36 और 1 37 हासिल लग गए 3 6×12 और 3 = 15 फिर 6×3 = 3×8 = 24 हासिल लग गए 2 3×6 = 2 = 8 फिर 3×6 = 18 हासिल लग गए 1 3×6 = 1 = 7 8 ये कितना आ गया बच्चों 10 ये कितना आ गया 7×8 = 15 = 1 16 8×5 = 13 = 14 ये कितना हो गया 8×9 तो कितना आ गया बच्चों 9 4 6 0 8×10^11 कितना आ गया बच्चों 10^11। अब तुम थोड़ा ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर पॉइंट होती है, इसको पॉइंट को अगर मैं इधर बढ़ाऊंगा तो इतने ही मुझे इसमें जीरो बढ़ानी पड़ेंगी। मैं कितने अंक है 1 2 3 4 5 चला, तो कितने जब भाई 5 चला 0.9 आ जाएगा, तो 5 चला तो कितना आ जाएगा 10^5 इसमें बढ़ा दो कितना आ जाएगा 16 मीटर। तो समथिंग में ऐसा 9 को क्या लिख सकूँ 1×10^16 मीटर, इसलिए आता है बच्चों 10^16 मीटर लगभग में, स्वयं आपके उतारो इसे, ज्यादा हार्ड नहीं है बस कैलकुलेशन है इसमें बाबू, तो याद कर ले तू ना वैसे। छोटो एक गिलास पानी पी लो, एक गिलास पानी पी लो दे यार।
हो गया बच्चों। देखो ये तुम्हारे पे होगा तब से, यानी बस याद रखना, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना 10^16 मीटर, और किसका मात्रक होता है दूरी का, किसका होता है बच्चों दूरी का। चला से गलाना भाई पानी, चला के लान, चला के चला नल, नल के वो। इन क्वेश्चन को बाबू दोबारा कर कर देख देखा करो। हो गया हो गया, चलो आगे ध्यान दो। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बच्चों अगला, प्रकाश के, लिखो बच्चों प्रकाश के, समझो भाई, किसी रंग की तरंग दैर्ध्य दैर्ध्य 5800 एंगस्ट्रांग, एक ऊपर जब जीरो होगा तो क्या बोलते हैं बच्चों उसको, एंगस्ट्रांग है, मीटर में उसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए क्वेश्चन है बच्चों, ये उतारो इसे। तो बच्चों हमें इसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। सबसे पहला बच्चों उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी थी, उसकी तरंग दैर्ध्य का मतलब बच्चों दूरी होता है, दैर्ध्य ये भी एक प्रकार की दूरी है, पता लग जाएगा बस कौन सी है, एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में दी बच्चों। और बच्चों मैंने आपको बताया था एक एंगस्ट्रॉम को हटाने के लिए कितना लगाना पड़ता है, 10^-10, कितना लगाना पड़ता है बच्चों 10^-10, तो इसे हटा के कितना लगा देंगे बच्चों 5800 × 10^-10 मीटर में चेंज हो जाएगा, क्या में चेंज हो जाएगा बच्चों मीटर में, समझ में आपके, तो 5800 × ये देखो बच्चों 20 है, 20 का मतलब 10^2 है भाई, 10^2 है तो इसमें तक कैंसिल कर दो, कितना बच्चे 10^-8 मीटर, वेरी गुड। और बच्चों यहाँ पर पॉइंट होता है, मैं यहाँ इस वाले पॉइंट को देखो जो सबसे लास्ट में पॉइंट होता है, ऐसा अगर इधर लाऊंगा मैं 5.8, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों मुझे, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बच्चों मुझे घात को कम करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी बच्चों कम करनी पड़ेगी, कैसे हुआ ये बताऊंगी कैसे हुआ ये भाई, देखो तुम पॉइंट को उठाओगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10^1 हो जाएगा, और इसे ऊपर ले जाएंगे तो 10^7 ये रहा, और गुना 10^-1 हो रहा है, कितना आएगा 10^-8, कितना आ जाएगा 10^-8 भाई, 7 + 7 = 8 और 8 ये रहा था ऊपर, तो इसलिए जब भी हम माइनस में होते हैं तो पॉइंट से इधर को ले चलते उस साइड को उरे को, तो घात में तो माइनस वाले में तो कम कर देते, अगर पहली साइड को बढ़ते तो क्या कर देते हैं
बढ़ा देते हैं, ठीक है ये कर लेना उतारे से। चलो बच्चों आगे ध्यान दो, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके, एक एंगस्ट्रॉम को बस यूं लिख लेना, एंगस्ट्रॉम को, चलो लिख ही लो भाई, एक एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन होते हैं, कितने माइक्रोन होते हैं, देखो बच्चों सबसे पहले भी मैंने आपको बताया एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10^-10 मीटर होता है, ये बताया आपको भी मैंने, और बच्चों भी मैंने आपको बताया था 1 मीटर बराबर कितना होता है 10^-6 माइक्रोन, कितना होता है बच्चों 10^6 माइक्रोन, क्लियर हो रहा है आपका, अभी करवा भाई मैंने पीछे पीछे भी करवाया, जिसको मैं 1 माइक्रोन बराबर कितना 10^-6 मीटर, ये रिवर्स है, इसे इधर ले जाओ इसे इधर ले जाओ, बस यही है। तो बच्चों जब हमें एक एंगस्ट्रॉम बराबर पता है कितना होता है 10^-10 मीटर, कितना होता है बच्चों 10^-10 मीटर, और मीटर की जगह क्या रख दूं बेटा मैं, मीटर की जगह माइक्रोन में चेंज करना भाई, माइक्रोन में चेंज करना मुझे, तो 1 मीटर की जगह क्या रख दूं 10^6 माइक्रोन, क्या रख दूं बच्चों 10^6, बताओ कोई डाउट है आपको, तो कितना हो जाएगा बच्चों 10^-10 6 कितना हो जाएगा 10^-4 हो जाएगा, क्योंकि बेटे माइनस के और ये कहेंगे प्लस के, तो इसलिए कहेंगे हो जाएंगे 10^-4 माइक्रोन, बताओ कोई डाउट तो नहीं आपको, ऐसे क्वेश्चन करने, अगला देखो बाद में करना उतारना। 1 मिनट में कितने माइक्रोन होते हैं, तो कितने माइक्रोन होंगे बच्चों, देखो आपको पता होना चाहिए एक सेकंड में कितने माइक्रोन होते हैं, तो 10^6 माइक्रोन कितने होते हैं बच्चों 10^6 माइक्रोन, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों 60, वेरी गुड 60 सेकंड, और 1 सेकंड में कितने माइक्रोन होंगे बच्चों 10^6, तो एस की जगह क्या रख दूं 10^6 माइक्रोन, तो हम जब चेंज करें बच्चों 1 पावर ये रही, तो कितना हो जाएगा 6×10^7 माइक्रोन, क्लियर हुआ बच्चों आपके, कोई डाउट तो नहीं अब आपको, बस इन्हें याद रखना बच्चों कि ये किसके बराबर होता है किसके नहीं। हो गया बेटा ये, चलो अब ध्यान दो आगे, अगला क्वेश्चन है बच्चों,
देखो बेटा कुछ और टॉपिक्स है, मैं नोट करके लिखो, नोट करके यहाँ पर बेटा। एक टन बराबर कितना होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। एक टन बराबर 100 क्विंटल। एक टन बराबर कितना होता है बच्चों? 100 क्विंटल। क्विंटल ठीक है बच्चों। और एक क्विंटल बराबर कितना होता है बच्चों? कितना होता है बच्चों? 100 किलो। सौ किलो एक क्विंटल में कितना होता है बच्चों? 100 किलो। और एक किलो बराबर आपको पता है बच्चों कितना होता है? 1000 ग्राम। ये बताओ आपको कोई दिक्कत तो नहीं? और बच्चों आपको ये भी पता होगा 5 किलो बराबर कितना होता है? 1 धड़ी। धड़ी ये बनाओ बच्चों, धड़ी धड़ी 5 किलो बराबर होता है बच्चों 1 धड़ी। तो बच्चों अगर मैं ये क्वेश्चन बना दूं यही कहीं, एक टन में, या एक और लिखो बेटा, एक मीट्रिक टन बराबर होता है बच्चों 1000 किलोग्राम। ये याद रखना बेटा, एक मीट्रिक टन बराबर कितना होता है बच्चों? 1000 किलोग्राम। कितना होता है बेटा? 1000 किलोग्राम। ओए क्या बात हो रही, रेस्ट कर फिर आओ बेटा, अब ध्यान दो बेटा। मैंने क्वेश्चन बना दिया, एक टन में कितने ग्राम होते हैं? एक टन में बच्चों कितने ग्राम होंगे? तो बच्चों अभी लिखवा मैंने, एक टन में कितने किलोग्राम होंगे? 100 किलोग्राम होंगे। कितने होंगे बेटा? 100 किलोग्राम। और आपको पता ही एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो यार, बस बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही तुम्हें। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 10 की पावर कितना आ जाएगा बेटा? 10 की पावर 5। वेरी गुड ग्राम, इतना आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई कहीं डाउट? दूसरा क्वेश्चन देखो ये कोई, एक मीट्रिक टन में कितने ग्राम होते हैं? होते हैं तो बच्चों आपको पता ही एक मीट्रिक टन बराबर कितना होता है? 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम कितना होता है बेटा? 1000 किलोग्राम। और 1000 को मैं हटा कितना लगा दूं किलोग्राम की जगह? 1000 ग्राम। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 10 की पावर 6 ग्राम आ जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं उतारों ने। तेरे भी याद हो गए बेटे ये संडे मंडे? चोट लगवाएगा क्या? अरे क्या 4 दिन हो गए फेनी पढ़ा रहने दे। क्वेश्चन कर भी लिया करें, करें जा जाकर।
ये भूखा लगा हुआ लगा है ना। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पर ध्यान दो। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों उसने, देखो बेटा अगला क्वेश्चन दिया, कांच के एक गुटके की लंबाई, क्वेश्चन लिखो भाई, कांच के एक गुटके की लंबाई कोमा चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर कोमा 20 सेंटीमीटर व 2.5 सेंटीमीटर है। तो गुटके का आयतन ज्ञात करें। देखो बेटा उसने बोला सबसे पहले तुम्हें सही से पढ़ना आना चाहिए, कांच के गुटके की लंबाई, लंबाई का मतलब क्रम से बोला ना, लंबाई का मतलब ये हो गया, क्रम से मतलब क्रम, एक क्रम होगा ये। लंबाई कितनी दी 50 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितनी बच्चों 50 सेंटीमीटर, क्रम में लेना तुम्हें फिर, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर कौन है चौड़ाई, तो दूसरे नंबर पर वहां देख लो कौन है 20 सेंटीमीटर। तीसरे नंबर पर क्या ऊंचाई, तीसरे नंबर पर क्या बच्चों 2.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रही भी। और बच्चों जब ये सेंटीमीटर में दी तो किस 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 कह में आई मात्रक, ये जब यहाँ सेंटीमीटर की बात हो रही तो क्या कौन सी चीज में मात्रक है, एमकेएस में, सीजीएस में, एफपीएस में, कौन सीजीएस में, क्योंकि बच्चों सेंटीमीटर में दे रखी, वेरी गुड, किसमें सीजीएस में। तुम्हें क्या चाहिए बच्चों आयतन चाहिए, क्या चाहिए आयतन, आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुना गुना ऊंचाई, बस यहाँ रख दो, लंबाई कितनी बच्चों 50, चौड़ाई 20, ऊंचाई 2.5, पॉइंट को उठाओ बटे में कितना आ जाएगा 10, एक चीज से कैंसिल, तो इसकी मल्टीप्लाई करो कितना बच्चे 100 हो जाएगा, और गुना कितना आ जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा बच्चे 2500। 1 सेंटीमीटर यहाँ भी था, 1 सेंटीमीटर यहाँ भी था, 1 सेंटीमीटर यहाँ भी था, कितना है सेंटीमीटर की पावर 3। बताओ कोई डाउट तो नहीं आपको। लेकिन बच्चों अगर मैं इसी पूछ लूँ इसको एम के एस में निकाले, एम के एस में मतलब जहां सेंटीमीटर है वहां क्या आ जाएगा बच्चों मीटर, क्या आ जाएगा मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 10^-2 मीटर का क्यूब है बेटा, तो 2 कितना हो जाएगा, तो 2500 × 10^-6 मीटर, और 2 0 का हटाऊंगे कितना हो जाएगा 25 × 10^-4 मीटर। बताओ कोई डाउट तो नहीं आपको, इस प्रकार होते हैं उतारो।
हो गया बेटा। चलो आगे ध्यान दो अगले क्वेश्चन पे। दो क्वेश्चन और बना दो भाई मैं आपको, फिर तुम्हारा खेल खत्म। उसने बोला बेटा बालू के एक कण, बालू का मतलब रेत का एक कण, बालू के एक कण की त्रिज्या 1.6×10⁻⁴ है, तो इसको माइक्रोन, पहले में निकलना माइक्रोन, क्रोन, सेकंड में एंगस्ट्रांग, एंगस्ट्रांग में ज्ञात करें, ज्ञात करें। बच्चों मैंने आप सभी को अभी अभी बताया एक मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, 10⁶ माइक्रोन। एक मीटर में कितने एंगस्ट्रांग होते हैं बच्चों, 10⁻¹ एंगस्ट्रांग, इसे याद रख लो बस। तो बस कर दो यार, 1.6×10⁻⁴ मीटर है, एक मीटर की जगह माइक्रोन में चेंज करने के लिए बच्चों, एक मीटर की जगह क्या रख दो 10⁶ माइक्रोन, तो 1.6×10⁻⁴ कितना आ जाएगा बच्चों, 6 माइक्रोन। बताओ कोई डाउट तो नहीं आपको। तो इसे जब हम करेंगे कितना आ जाएगा, 1.6×10⁻¹ 2 माइक्रोन। बताओ कोई दिक्कत नहीं। सेकंड बच्चों आपको बोल रहा है वो एंगस्ट्रांग में चेंज करो, तो मीटर में दे रखा उसने 1.6×10⁻⁴ दे रखा, एक मीटर में बराबर कितना रख दो 10⁻¹ एंगस्ट्रांग, 10⁻¹ A4 एंगस्ट्रांग, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1.6×10⁴ ये 10⁻¹ 10⁻+ के, तो कितना आ जाएगा प्लस के 6 एंगस्ट्रांग, ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, उतारो इन्हें। चलो बच्चों एक क्वेश्चन है, एक कार की चाल 36 किलोमीटर/घंटा है, तो इसको m/min में बदले, m/min में बदलना बच्चों, इसको m/min में। अब देखो बच्चों चाल कितनी दी उसने, 36 किलोमीटर/घंटा, और आप सभी को पता 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों, 1000 भाई, मीटर में तो बदलना, ऊपर किलोमीटर के हमें चेंज करना बेटा, मीटर में हो गया। और एक घंटा, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चों, 60 मिनट, हो गया बस, सही में आग बच्चे भाई। किलोमीटर की जगह क्या कर दो मीटर, घंटे की जगह क्या कर दो
मिनट ए से कैंसिल, छचंग 36, तो कितना आ जाएगा बच्चों 600 मीटर पर मिनट आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है आपको, कोई डाउट है बच्चों आपको? चलो एक और समझो पहले बच्चों, एक कार की चाल वो ही, कार की चाल 36 किलोमीटर पर घंटा ही दे रहा, तो इसको वो क्या में चेंज करवा रहा बेटा, मिनट मीटर पर सेकंड में, क्या में चेंज करवा रहा आपका, मीटर पर सेकंड में। तो बच्चों उसने चाल कितनी दे दी, 36 किलोमीटर पर घंटा दे दी, कितनी दे दी बेटा 36 किलोमीटर पर घंटा, 36 किलोमीटर की जगह क्या रख दूं बेटा मीटर, तो कितना होता है 1000 मीटर, और घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड, कितना होता है बेटा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 36 ही कम, तो कितना आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। बताओ कोई डाउट है आपको? ऐसे बन जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक कर लेना आप अच्छे से, जितने भी क्वेश्चन होगा और कोई डाउट होगा आपको वो मैं और बता दूंगा आपको, एक आधा क्वेश्चन और देखता हूँ अगर कोई अच्छा सा है तो उतारो। तो हो गया बच्चों आप सभी के, चलो देख लो भाई कोई क्वेश्चन है तो ठीक ठाक सा। चलो बच्चों इसे देखो, एक क्वेश्चन कर लो बस फिर समाप्त। लिखो बेटा, हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक का एक चक्र लगाने में इलेक्ट्रॉन 10^-6 नैनोमीटर नैनो सेकंड, 10^6 नैनो सेकंड लेता है, तो वह कितने चक्कर, तो वह एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। देखो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे देख लो अच्छे से। देखो बेटा तुम्हें क्या बोला, एक चक्कर में कितने सेकंड ले रहा हो, एक इलेक्ट्रॉन लगाने में कितने सेकंड लग रहा है बच्चों, उसको एक चक्कर लगाने में कितने सेकंड लग रहे हैं बच्चों, तो एक चक्कर बराबर कितना लग रहा है बच्चों उसको, 10^-6 नैनो सेकंड, नैनो सेकंड ऐसे लिख दूं। और बच्चों आप सभी को पता एक नैनो को हटाने के लिए क्या लगता है, लगाना पड़ता है 10^-9, कितना लगाना पड़ता है 10^-9,
तो इसकी जगह 10 की पावर माइनस 6, तो जैसा ऐसा का ऐसा ही, नैनो की जगह एन की जगह क्या रख दूं, 10 की पावर माइनस के 9 सेकंड। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 की पावर माइनस के 6 है रहा, 10 की पावर माइनस के 9 रहा, कितना 10 की पावर माइनस के 15 सेकंड। कितना आ जाएगा बच्चों, 10 की पावर माइनस के 15। भाई ये 6 है ये 9 है, माइनस माइनस के तो घात क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 9 और 6 कितना होता है 15 हो जाए, तो 10 की पावर माइनस के 15। लेकिन बच्चों से ने क्या बोला, एक सेकंड में, तो बच्चों हमें पता 10 की पावर माइनस 15 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा, वो कितना चक्कर लगा रहा, एक, और हमें चाहिए एक सेकंड में, तो एक सेकंड भाई ये तुम्हारे पास 10 की पावर माइनस 15 है, तो इसे इसके बटे में ले जाऊं तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस के 15 इधर आ जाएगा, स्वयं आए चक्कर, और इसे ऊपर ले जाऊं तो कितना आ जाएगा बच्चों, एक सेकंड बराबर कितना, 10 की पावर 15 चक्कर, इतने चक्कर लगा लगो बच्चों एक सेकंड में। ये बताओ तुम्हारी स्वयं आया नहीं, या नहीं आता तो दोबारा समझो बच्चों से, अच्छा क्वेश्चन है, यूनिटी मेथड सुनूंगी। देखो बच्चों आपको पता उसने बोला एक चक्कर लगाने में इतना समय लग रहा उसे, तो एक चक्कर बराबर कितना हो गया, 10 की पावर माइनस के 6 नैनो सेकंड, नैनो सेकंड दो है तो एन एस लिख दो है नैनो सेकंड, और आपको पता एक नैनो सेकंड बराबर कितना होता है, 10 की पावर माइनस के 9 सेकंड होते हैं, ठीक है, नैनो सेकंड लिख दो यहाँ, एक नैनो सेकंड, तो इसकी जगह क्या लिख दो, 10 की पावर माइनस के ये 6 जूता का कर दो और 10 की पावर माइनस के 9 सेकंड, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, घात क्या हो जाएगी बच्चों, जुड़ जाएगी 10 की पावर माइनस 6 ने 10 की पावर माइनस के 9 रही, कितना 10 की पावर माइनस के 15 सेकंड, एक चक्कर बराबर रही तो आ रहा उसने, लेकिन उसने पूछा एक सेकंड में, तो एक सेकंड बराबर भाई इसे जो 15 ऐसे इसका बटन फेंक दो तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस के 15 चक्कर आ जाएंगे, सही माए, और इसे ऊपर ले जाऊं कितना आ जाएगा, एक सेकंड बराबर कितना, 10 की पावर 15 चक्कर, इतने चक्कर लगा लगा बच्चे एक इलेक्ट्रॉनिक एक सेकंड में, ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक अच्छे से कर लेना, ठीक है बच्चों।